हाँ जी, नेक्स्ट है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट मैंने कल भी बताया है कि जो टर्जिडिटी प्लांट्स में आती है ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जो टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट के पूरे हिस्से में जो मूवमेंट शो होती है उसको हम बोलेंगे टर्गर मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स बाय द चेंज इन द सेल वॉल्यूम, यानी पूरे का पूरा सेल का वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जो है उसकी जो मूवमेंट जो शो होती है ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, उसको हम बोलते हैं टर्गर मूवमेंट। इसमें दो तरह की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास, एक है स्लीप मूवमेंट और एक है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट। ठीक है, स्लीप मूवमेंट नाम से पता चल रहा है कि सो जाने वाली मूवमेंट। सो जाने वाली मूवमेंट हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होते हैं, जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिसमें फली लगती है, ठीक है, उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो सुबह के टाइम जो है लीव्स खिल जाते हैं और शाम को उसके लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ द लीव्स इन द इवनिंग एंड द मॉर्निंग ड्यू टू द चेंज इन द टर्गर प्रेशर। तो वो खिल जाना, उनका खुल जाना और बंद हो जाना किस वजह से होता है? वो खुलते इस वजह से है कि जब उसके अंदर पानी मूव करता है और वाटर उसकी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उसके नतीजे में लीव्स खुल जाते हैं, फूल जाते हैं टर्गर प्रेशर की वजह से। तो ये एक मूवमेंट उसकी होती है उसके नतीजे में, टर्गर प्रेशर के नतीजे में, तो जिसको हम बोलते हैं स्लीप मूवमेंट। अब बेसिकली ये जो है लीफ खुलते और जो बंद होते हैं ये किस वजह से होते हैं, कहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है? पल्माइनस में। पल्माइनस बेसिकली क्या है? द थिकेंड पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द पेट्यूल्स, जहाँ पे पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं उसके बेस में जो थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन होता है, स्वॉलन पोर्शन होता है, थिकेंड पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्माइनस। अब बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जब सुबह के टाइम जब पानी इसके अंदर मूव करेगा, जब इसके अंदर जाएगा, इसके ऊपर टर्गर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, टर्गर प्रेशर एग्जर्ट करने के नतीजे में जो है पत्तियाँ खिल जाती हैं या पत्ते जो है वो खिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि फूल जो मूवमेंट उसने शुरू की है ये खिल गए हैं। और शाम के टाइम जो है इसमें से पानी जब बाहर निकल जाता है तो यही वाला जो स्वॉलन पोर्शन होता है ये फ्लैटन्ड हो जाता है, ये मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है, जब थिक हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये पत्तियाँ खुद ब खुद जो है वो बंद हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं स्लीप मूवमेंट। इसी तरह की मूवमेंट जो है वो एक तो ये तो है सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में, लेकिन एक मूवमेंट इस तरह की भी होती है जिसको बोलते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट। लीफलेट क्या होते हैं? अगर किसी ने देखा हो छुई मुई का जो पौधा होता है उसके लीव्स जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, अगर किसी ने इसको टच करके देखा हो तो जैसे ही आप इसको टच करते हो तो ये लीव्स फौरन क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये लीफलेट ऑफ माइमोजा, माइमोजा साइंटिफिकली नेम है छुई मुई के पौधे को, कहते हैं टच मी नॉट, उसको आम इंग्लिश में कहते हैं, साइंटिफिकली नाम उसका माइमोजा है, छुई मुई उसको उर्दू में कहते हैं। ये भी बेसिकली होता क्या है कि पल्माइनस में ही जैसे ही आप टच करते हो तो इसका जो है उसको स्टिमुलस मिलता है, तो पल्माइनस में से जो है वो पानी रिमूव हो जाता है, जैसे ही पानी निकलेगा फौरन पत्तियाँ खुद बहुत जो है वो क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। जैसे क्लोज हो जाएंगी ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब पानी उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो वो दोबारा से जो है वो खुल जाते हैं। अब बेसिकली इसकी रीज़न क्या होती है कि किस वजह से जो है वो पानी बाहर मूव करते हैं? इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बेसिकली जो पोटाशियम आयन होते हैं सेल के अंदर वो पहले जो है वो बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो जब बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या हो जाएगी? हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। जब हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो वाटर जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, जब बाहर मूव करेगा तो उसके नतीजे में सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड होकर वो तुड़मुड़ जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और आफ्टर 5 to 10 minutes जो है इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है, दोबारा जो है वो पोटाशियम आयन अंदर जाते हैं और पानी फिर दोबारा जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जब जाएगा तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड होने के नतीजे में जो है वो खिल जाएगा, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।